नमस्कार बच्चों, मैं डिंपल कटारिया यहाँ पे आपको 10वीं कक्षा गणित विषय की कार्यपत्रक 19 करा रही हूँ, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो समीकरणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि ये युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब हमारे पास समीकरणें जो दो होती है उनका कोई हल विद्यमान होता है। ठीक है, कोई हल अगर उनका विद्यमान होता है तो वो संगत होती है, और जब कोई हल विद्यमान नहीं होता है तो वो क्या होती है, वहाँ पे असंगत होती है। अब ग्राफिक प्रदर्शन अगर हम करते हैं हमारी समीकरणों का, तो आपको अच्छे से याद है कि एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी होती है समपाती रेखाएं, देखो एक के ऊपर एक, और तीसरी होती है समांतर रेखाएं। और जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो हमारे पास इस प्रकार से होते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हल मिलता है, ठीक है, तो वो दो प्रकार से होंगे, संगत या असंगत। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि कोई हल मिलता है तो संगत होता है, तो देखो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक ही हल यहाँ पे है। ठीक है, अगर केवल एक हल है तो अद्वितीय हल है, और अगर बहुत सारे हल है तो बहुत सारे हल है। तो कुल मिलाकर दोनों समीकरणें यहाँ पे युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल होने की कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 जो है उसका मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये आप जो समीकरण देख रहे हो यहाँ से ये a1 का मान और यहाँ से ये a2 का मान, तो इनका अनुपात निकाला, फिर ऐसे ही b1 और b2 का अनुपात निकाला, ये बराबर नहीं होते तो ये हमारे पास कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है यहाँ पे समपाती रेखा। लेकिन अगर मान लो कोई भी हल नहीं होता तो उस समय क्या होता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं होते, और इस कंडीशन में हमारे पास समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अब चलिए कुछ उदाहरण से हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये देखिए पहला उदाहरण, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो x का गुणांक 1 है यहाँ पे, और यानी कि a1 का मान 1 है, और a2 कितना है 3। ऐसे ही b1 निकाला तो माइनस 2 और b2 निकाला तो 4। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, इसकी जगह आप ये लिख लीजिएगा। तो ये कैसा होता है, यहाँ पे एक ही हल होता है यानी कि अद्वितीय हल, और जब हल मिल गया तो संगत हो जाता है, और इस समय प्रतिच्छेदी रेखाएँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और फिर उसके बाद है यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ये हमने यहाँ से 2/4, यहाँ से 3/6, और यहाँ से माइनस 9/-18। तो 2/4 तो हमें मिला 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3/6 मिला 1/2, और 9/18 मिले 1/2, तो तीनों बराबर आ गए, है ना। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1/c2। और जब तीनों ही बराबर आ चुके हैं तो उस समय हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर अनंत हल है यानी कि संगत है, और ये समपाती रेखाएँ हैं। और तीसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान तो बराबर आया है, लेकिन ये 1/3 है यानी कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो असंगत हल यानी कि कोई हल नहीं, और इस प्रकार इसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक तालिका है जिसे हमें पूरा करना है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस सवाल में 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो a1 का मान तो है 2, और a2 का मान कितना है 4। ठीक है, और यहाँ पर फिर b1 है माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 6, फिर उसके बाद ये है माइनस 8, और यहाँ पे ये क्या है माइनस 9। अब हम देख रहे हैं 2/4, बच्चों 2/4 इसका मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, और माइनस 3/-6, तो 3 × 3 = 6, ये भी 1/2, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये आपस में 1/2 के यहाँ सी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 और a2 तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे समांतर हल वाली सिचुएशन आ जाती है, ये देखो ये वाली समीकरण आ जाती है ना। तो इसमें जब हल ही नहीं होंगे तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और असंगत में यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और जब कोई भी हल नहीं है तो ये हमारे पास कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखिए, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, x की जगह साथ में 1 है और दूसरे में 3 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 है और बटे में 4 है,
और वहाँ पे जीरो मतलब वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे बटे में कितना है माइनस का 20। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये ही दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहले तो हमने इन्हीं दोनों को देख लिया है और ये भी आपस में बराबर इनके नहीं है। तो जब यही दोनों बराबर नहीं हैं तो हमारे पास संगत हल होता है, क्योंकि एक ही हल होता है, ठीक है, अद्वितीय हल आप जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे अद्वितीय, और जब अद्वितीय हल हो जाता है तो हमारे पास रेखाएं कैसी मिलने वाली है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें दो, ये देखिए x प्लस वाई बराबर छः यानी कि एक, और यहाँ पे दो, और y वाले में भी एक बटा दो, और यहाँ पे छः बटा बारह, और छः बटा बारह कट के कितना हो गया, छः कम छः दुनी बारह, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तीनों आपस में बराबर हो गए हैं तो यहाँ पे ये कौन सी वाली रेखा हो गई है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा का मतलब जिसमें हमारे पास कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनेक हल, और अनेक हल है तो ये संगत हो गया है, और जब संगत हो गया है तो यहाँ पे ये कौन सी रेखा है मैंने आपको बताई, संपाती। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।